नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री विद्या चैनल और एनसीईआरटी ऑफिशियल। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह। ये जो सत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैथमेटिक्स का सेशन हम लेकर हाजिर हैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पर हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री पार्ट सेकेंड, यानी पार्ट वन पहले हो चुका है। जिन्होंने मिस किया है, जिन्हें नहीं मालूम है, वो पहला पार्ट जाके देख सकते हैं। उस पर जो लिंक है वो अवेलेबल है एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब पर। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आप उससे भी जुड़ पाएंगे। आज हम एक कदम आगे की बात करेंगे। इसमें क्या कुछ और खास बातें हैं वो भी हम समझेंगे। इससे संबंधित अगर आपके प्रश्न तब भी रह जाते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर 8800440559। यह टेलीफोन नंबर। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं dts.class9@cit.nic.in पर। हमारे साथ जुड़ी हैं मिसेज जबीना प्रकाश, सीनियर पीजीटी मैथमेटिक्स, कैंपियन स्कूल भोपाल से। बहुत बहुत स्वागत है बीना जी आपका। नमस्ते, गुड आफ्टरनून। चलिए आज पार्ट सेकंड की आप लोग सब खुश होंगे, सब तैयारी कर रहे होंगे अपने एग्जाम्स के। हो सकता है आप लोग के स्कूल में एग्जाम हो गया होगा फर्स्ट टर्म, क्योंकि कहीं कहीं एग्जाम्स चल रहे हैं और बिल्कुल तैयारियां जोरों पर हैं। और खासतौर से ये जो सेशन उन तैयारियों में और भी जाकर मदद करेगा। तो शुरू करते हैं, कैसे इस पार्ट सेकंड को हम देखेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन किया था। इंट्रोडक्शन मीन्स जस्ट अ ब्रीफ स्टडी, ज्यादा किया नहीं था हमने, कि व्हाट वाज कंट्रीब्यूशन ऑफ यूक्लिड्स इन ज्योमेट्री, उन्होंने क्या क्या डेफिनेशंस दिए हैं, एंड हाउ वी कुड कन्वर्ट इट इनटू, हाउ वी यूज इट टू प्रूव सर्टन थ्योरम्स। ये सब हमने लास्ट क्लास में किया था, यूक्लिड्स के डेफिनेशंस ऑन सर्टन टर्म्स, दैट इज पॉइंट, लाइन, सरफेस। तो ये चीज कहाँ से आया था, सरफेस एंड ऑल, ये एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में मैंने, कि यू हैव सम सॉलिड, सॉलिड ये जो सरफेस, दिस इज नोन एज अ सरफेस। सो सॉलिड से वी हैव अ सरफेस एंड देन इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस। लाइक ये सरफेस एक दिख रहा है आपको, आप लोगों को सबको ये एक सरफेस दिख रहा है, जी जी हम देख पा रहे हैं मैम। हाँ, ये एक सरफेस है, ये जो है दिस इज अ सरफेस, ये एक पार्ट है, ये एक सरफेस है और ये एक दूसरा सरफेस है। ये दोनों सरफेस का इंटरसेक्शन जो है, मीट जो करता है, दैट्स अ लाइन, ये लाइन सेगमेंट, दैट इज नोन एज एज, ये एक एज है इस ऑब्जेक्ट का। तो वहां से एक लाइन बनता है एंड देन व्हेन टू लाइंस मीट, ये दो लाइन, ये एजेस जो है ये मीट कर रहा है, तो दैट इज गिविंग अस अ पॉइंट। सो दैट इज हाउ अ डेफिनेशन ऑफ सरफेस, लाइन एंड ऑल उन्होंने बनाया था ऑब्जर्वेशन से, इट इज ऑल थ्रू ऑब्जर्वेशन। एंड देन वी केम अक्रॉस सेंटेंसेस, सेंटेंसेस से स्टेटमेंट आए थे एंड देन फ्रॉम देयर वी हैड द एक्सियम्स, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। एक्सियम्स क्या है, those mathematical statements that are accepted as universal truth without any proof. आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, without that you can prove, say that it's a true statement. So such self-evident universal true statements are known as axioms. So we get light from sun. आपको प्रूफ करने की जरूरत है क्या धर्मेन जी, अगर मैंने आपसे पूछा from where do we get light, so light from sun, आपको प्रूफ करना है क्या? ये तो ऑब्वियस चीज है, जो होता है वो दिख रहा है हमको, मालूम है ना, सन राइजेस एंड गिव्स अस द लाइट एंड व्हेन इट सेट्स वी आर अवे फ्रॉम इट, द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ हैज मूव्ड अवे फ्रॉम इट, सो डार्कनेस कम्स इन। सो दीज थिंग्स वी डोंट नीड टू प्रूव, ये हमें नेचर से दिखता है। सो सच थिंग्स आर नोन एज एक्सियम्स। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, फाइव एडेड टू थ्री, फाइव को अगर थ्री से एड किया, so will that number, the resultant, be greater than 7? Hello? जी जी हाँ, ये जो 5 added to 3, अगर मैंने बोला 5 को आप 3 से add करें, तो will it be greater than 7? मैंने कहा कि अगर आपने 5 को 3 से add किया है तो वो number 7 से ज्यादा होगा। तो ये आपको प्रूव करने की जरूरत है क्या? यू आर अवेयर नो, होगा ना ये चीज, बिकॉज 7। So these are third certain statements which need not be proved. ये इसको हम उन्होंने axioms में बोले। And ये क्या mathematical statements हैं? Now what is postulate? Postulates means there are certain statements which are used only in terms in geometry. So those statements which are used only in geometry, which does not require any proof, is known as postulates. ठीक है? तो मैंने last class में ये Euclid's axioms मैंने start किया था। There are 7 axioms in Euclid,
इन्होंने सेवन एक्सियम्स दैट इज स्टेटमेंट्स ऐसे दिए जिसके प्रूव करने की जरूरत नहीं है एंड यूजिंग दीज एक्सियम्स थ्योरम्स आर प्रूव्ड. तो सबसे पहला है ये इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू ईच अदर. अगर दो चीज एक जैसा है दैट इज ये दोनों एक जैसा है दे आर इक्वल टू सेम थिंग लाइक यू हैव x equal to y. ये लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था तो आई डोंट थिंक वी नीड टू एक्सप्लेन इट. इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स दो चीज इक्वल है और उसको एक इक्वल से एड किया है तो देन द फाइनल रिजल्ट लाइक यू हैव x इज इक्वल टू y अब इसके साथ मैंने अगर टू एड कर दिया विल द रिजल्टेंट बी सेम. द रिजल्टेंट ऑफ दिस विल ऑल्सो बी सेम. लाइक x की जगह अगर हमने 5 ले लिया 5 एंड 5 आर इक्वल यस और नो. 5 के साथ अगर 2 ऐड किया है तो व्हाट डू वी गेट द रिजल्टेंट इज 7. द रिजल्टेंट विल स्टिल बी सेम. सेम इज दैट इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स. आपने दो सेम चीजें से सबट्रैक्ट कर दो क्वांटिटी एक क्वांटिटी सेम क्वांटिटी सो आई एम सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स सो व्हाट इज द रिजल्टेंट हियर वी गेट 4. वोंट दे बी इक्वल दे नो सेम है ना. सो दिस इज व्हाट द थर्ड एक्सियम स्टेज. नाउ फोर्थ एक्सियम सेज दैट थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अदर अगर एक दूसरे के ऊपर आते देन दे आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर. लाइक ये एक है ये एक फिगर बनाया मैंने दिस फिगर. व्हाट आई फाइंड इज ये जो फिगर है इसको मैंने अगर इसके ऊपर ओवरलैप किया तो व्हाट डू आई फाइंड. देखो क्या दिख रहा है आपको क्या दिख रहा है आर दे नॉट ओवरलैपिंग विद ईच अदर. देखिए एक दूसरे के ऊपर दिख रहा है ना. सो दे आर वोंट दे बी इक्वल अगर एक दूसरे के ओवरलैप कर रहा है तो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर दे आर. हेलो जी जी हम सुन पा रहे हैं मैम आप बोलती चली जाएं. हाँ सो दे आर नोन एज दे आर इक्वल दैट वी हैव इज दे विल बी इक्वल. एक मिनट शिफ्ट कैसा होगा. हेलो जी मैम हम सुन पा रहे हैं आप बिल्कुल आवाज गति से चलते रहें. नेक्स्ट द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट दैट इज अगर एक आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है ये एक ऑब्जेक्ट है इसको मैंने आप यहां से काट दिया इफ आई डिवाइड इट ये रिमूव कर दिया व्हाट इज लेफ्ट ये पार्ट जो है ना ये जो पार्ट बचा हुआ है विल इट नॉट बी लेसर देन द ओरिजिनल वन दैट इज जो ओरिजिनल है होल जो है इससे बड़ा है. दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. सो इफ यू हैव द स्टेटमेंट ही हैज अगेन कंक्लूडेड विद दिस दैट इज ए क्वांटिटी जो बी दैट इज बी इज अ पार्ट ऑफ ए ये स्मॉल जो पार्ट है इट्स अ पार्ट ऑफ दिस बिग थिंग. सो लेट मी नेम दिस एज ए एंड दिस एज बी. ठीक है so what we find is a is greater than b dikh raha hai na aapko a greater than b hai. so if a is greater than b can't we not have a equal to b plus a quantity that means you add this quantity to it which is represented as c. so agar maine c add kar diya to you get this as equal to c that means a can always be written as the sum of b and a third quantity that's the meaning of this. theek hai. The next one is things which are double of the same are equal to one another. Agar aap, we have this expression that is agar 2x and 2y are equal, then x and y are also equal. Likewise, if half, things which are half, ye sab last class mein humne discuss kiya tha, they say that x and y will also be equal. That is, aap double kariye any number of times, with the resultant will also be same. Now we come to the Euclid's postulates. Euclid's postulate जो है ये कि a straight line may be drawn from any one point to another point. Given two distinct points, there is a unique line that passes through them. This is a very important postulate. That is a straight line. आप एक point join करिए. ये point है. इस point से इस point तक we can always draw a straight line. There's a straight line connecting these two points. Next one is a terminated line can be produced indefinitely. Terminated line matlab we started from a point and it ends at the point.
इफ दिस इज अ टर्मिनेटिंग लाइन, कैन यू एक्सटेंड दिस लाइन, आप इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? हम इस लाइन को दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं. वी कैन एक्सटेंड द लाइन टू बोथ साइड्स. दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस. अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली. थर्ड वन, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस. आप एक सर्कल को आप बना सकते हैं. एक सर्कल, वी कैन ऑलवेज हैव अ सर्कल. We can always have a circle. Why is it not cooperating? It's again not cooperating. Leave it. एक सर्कल बना सकते हैं हम हमेशा with a fixed center, with any center. आप एक center ले लीजिए और आप decide कर लीजिए with this radius. So आप you can make a circle which has O as a center. It's not looking like it, but it is O and it's a radius. So we can always draw a circle with any center and a radius. Now the next one, all right angles are equal to one another. Now what are these right angles? The right angles are the angles which measures, that is line angle between the two lines, if it is 90 degree. If it is 90 degree, see, this is, we have an angle here. What is that angle that you have here? The angle between this two angle, in dono ke beech ka angle, what is the measure of the angle? What we find is the measure of this angle is 90 degree. So if you have all right angle, that is another right angle le lete hum. Let us make another right angle. Dekhiye, what is the measure of this angle? This is also 90 degree. This is also 90 degree. That means ये दोनों they do overlap. ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ सकते हैं. They are overlapping. So therefore these two angles are equal. So that's the meaning of that statement. ठीक है? Now all right. If a straight line falling on, this is the fifth postulate. That's a very important postulate. That is, if a straight line falling on two straight lines makes the interior angle on the same side. It makes the interior angle on the same side. अब मैंने ये example ये देखिए यहाँ पे line draw करके रखा है. Can you all see this? Yes, of course we can. आपको so what we find is these are two lines. ठीक है, these are two lines. If a straight line falling on two straight lines, ये जो line L है, I'm naming it as L. It falls on these two lines P and Q. मैंने इन दोनों का नाम डाल दिया P and Q. And this line L falls on P and Q, makes the interior angles on the same side of it. Makes the interior angle. देखिए angle between P and L. देखो ये दोनों line intersect करता है तो ये angles make, they make some angles here. So interior angles मतलब the one which are facing each other. ये दोनों हो गया interior angles. अब आप इस angle का measure और वो जो 90 degree का measure देखा था आपने, are they same? 90 degree means but one perpendicular to other. ये measure होता है 90 degree. Does it look like 90 degree? ये 90 degree दिख रहा है क्या? Are they not less than 90 degrees? So makes an interior angles on the same side of it taken together is less than two right angles. अब आप ये दोनों angle का measure देखिए. ये दोनों का measure, A का measure है less than 90 degree and B का measure भी less than 90 degree है. तो आपने इन दोनों को add किया. So what is the measure of these two angles? Isn't it less than 180 degree? Then the two straight lines, if produced indefinitely, अगर आपने इन दोनों straight lines को produce किया indefinitely, meet on that side on which the sum of the angles is less than two right angles. That is, ये जो lines है, इसको अगर हम extend करेंगे, extend किस तरह, किस direction में करना है? The direction where we have the measures less than 180. तो वो कौन सा side दिख रहा है आपको? ये side दिख रहा है. So let us extend it. ऐसे extend करेंगे अपन. So what we find कि ये दोनों line, ये दोनों एक दूसरे के cross करते हैं. That means they meet at this point.
Let me name this point as L. So this is a very important postulate. That is, if straight line falling on two straight lines make interior angles on the same side of it taken together is less than 90 degree, then these two lines will definitely intersect. So iska ek application, that is, if sum of the two interior angles on the same side is 180, maan lo ye dono 90 degrees hai. If the two angles are 90 degrees, then what do we get conclude from it? If two angles, that is, you have one line here, there's another line, and the lines are such that they have one intersecting line. Ye ek intersecting line hai. And the angle the line makes it, that is, this is some angle, which is these two together, if they add up and they form a 180 degree, then these two lines are said to be, will they meet? They will never be meeting at any point. So they are known as parallel lines. That's the meaning of this parallel line. Is that clear? So we have an equivalent version of this Euclid's fifth postulate, which is known as Playfair axiom. That is, for every line L and for every point P, there is a line. Manlo, there is a line. We have a line. And there is a point P. There is a point P not lying on it. Is P on this line L? They are not. So there exists a unique line M which is passing through P, and that is parallel to L. That means aap is points se there. Ab aap dekhi, is points se aap lines banana cha rahe hain. So how many lines can be drawn? We can have this as one line. We can have this as another line. Dikh rahe na aapko, bahut sare lines dikh rahe aapko. These are the lines that can pass through this point, because through a point we can draw infinite lines we have. So these lines, of these lines, agar aapne is line ko dekha, ye that, this line, you'll find only this is the line which is going to be parallel to this. So there will be only one line which is passing through this given point will be parallel to the given line. Getting it? Yes? Hello? Yes, go on, ma'am. Yes, we all are getting this. Don't worry. Ha. So next is, two intersecting lines cannot be parallel to same line. This is another thing that we come across. That is another axiom, not the conclusion that we come across with that statement. That is, two intersecting lines. Agar aapke paas do intersecting lines hai, there are two intersecting lines. This is one line and this is another line. Theek hai? Now the question is, this is one line, this is another line. Now if you draw a line which is parallel to one line, so aap M ke parallel ek line bana dijiye. M ke parallel ek line banaya maine. Now this, let me name this as N. So what do we have? M parallel to N. Hai na? Now the question is, what does it say? Two intersecting lines cannot be parallel to same line. Is N parallel to L? Kya ye N iske parallel hai L ke? It will not be, because M and L jo hai, they are intersecting lines. So intersecting lines matlab they cut each other with some angles. So they don't make an angle, they don't, they are not parallel lines. Likewise, agar aapne L ke parallel koi line banaya, any line which is parallel to L, let this line be parallel to L. Ye M hai. Ye, let me have it as R. R is a line which is parallel to P. Will this line R, that is R parallel to M? Will they be parallel to each other? It will never be. No, they are not parallel. That means if there are two intersecting lines and there is a third line which is parallel to one of it, it will not be parallel to the other one. That's the meaning of the statement. So these are the axioms that we have. And iske continuation mein unhone aur bhi axioms banaye hain. Unhone aur bhi axioms banaye hain. And that is related to the points and the lines, which is known as incidence axioms, which is also to be discussed so that we can take up the theorems. Theek hai? Like this first one, through a given point,
infinitely many lines can be drawn. That's an axiom that he has given in conclusion. इसका मीनिंग क्या है? अगर हमारे पास एक पॉइंट है, अच्छा पॉइंट उन्होंने कैसे डिफाइन किया था? पॉइंट इज व्हिच डज नॉट हैव एनी पार्ट, नो डायरेक्शन, नथिंग, दैट इज इट कैन बी मूव्ड इन एनी डायरेक्शन. आप इस पॉइंट को यहां से यहां शिफ्ट कर सकते हैं, इस पॉइंट को यहां से यहां शिफ्ट कर सकते, यू कैन शिफ्ट इन एनी डायरेक्शन. सो इफ आई मूव अ लाइन, दैट इज अगर लाइन को मैंने इस डायरेक्शन में लिया है, इफ आई टेक अप दिस, तो दिस इज वन लाइन पासिंग थ्रू दैट, इजंट इट? यू कैन हैव another line in this direction, क्योंकि direction तो fixed ही नहीं है, so we can always take up this direction. Then you can always have another direction this way. Ma'am, we have last 5 minutes left now. Okay, we have so many lines that we have in any direction. So what do we get from here? The lines that we have through a point are many. That is, you can draw any number of lines passing through this particular points. Next one. Every line contains at least two points. हमारे postulates का definition क्या था? How is it line drawn? That is, a line is drawn by joining two points. So when you draw two points, what do we get? A line. That means, definitely, are they not the two points at least that they have? That means you can have any number of points. Don't we have these points on these two this line? So that's the second axiom that we have. That is, every line contains at least two distinct points. A line can have infinitely many points. Now the third one, for any two distinct point, आपने कोई distinct point define किया है? You have defined these two distinct points. Now through this, how many lines can be drawn? That's a question. That is, through a point you can have many lines. एक point से आप कई lines बना सकते हैं. एक point से कई lines बना सकते हैं. But between two fixed points, आप एक इस A से B की तरफ जा रहे, direction is fixed. That means आप एक के अलावा दूसरा line नहीं बना सकते हैं. So that's two distinct points. There exists a unique line containing the two points. Or one and only one line can be drawn to pass through these two points. Now what are intersecting lines? That is, two lines having common point. When you have a line, if you have two this line, what do we say? They are parallel lines. We'll come to the definition of all this now. Now we have parallel lines. Now if you have a line which is going in this direction, what do we find? A line on this contains this point P. Is it that not on the other line? The point P is on L, is on L as well as on the line M. So the point P that we have is there on both the lines. So such lines are said to be intersecting lines. Then we have concurrent lines. That is, if suppose more than three or more lines, they pass through same point. You have M as one line, L as another line. Suppose there is another line which is passing through the same point P. Or another line, fourth line we have, which is passing through the same point. So this point P is said to be, the point P is said to be concurrent. That is, it has more than three lines passing through it. So that's the meaning of this axiom. ठीक है? Now we have a theorem based on it. That is, two distinct lines cannot have more than one point in common. Two distinct lines. आपने दो लाइन बनाए. तो दो लाइन आप कैसे बनाना चाहते हैं? बताइए. धर्मेंद्र जी बताइए, आपने ऐसे एक लाइन बनाया. Now if I draw another line, that is, I'm taking the situation where the lines are parallel. अभी हमने डिस्कस किया है, that is, the two lines that are parallel, when they extend, they don't meet. तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है. Then will they have any point of intersection? No. But if two lines are intersecting, अगर एक लाइन इस लाइन से इंटरसेक्ट करता है, then the question is, can we have more number of points? That is, these two lines L and M, can they have more number of points in common with them? Ek point to P dikh raha hai. So is there any? So let us assume there, we are proving it through assumption, that is, there be two lines passing through two points. Ya hum maan ke chalte hain ki ye dono line ek aur point se pass ho raha hai. But last 2 minutes we have now. Okay, just final.
तो व्हाट वी फाइंड इज, अगर हमने एक पॉइंट माना है, तो व्हाट वी से इज अ लाइन इज ड्रॉन. हमारे पास एक पोस्टुलेट है, देयर इज वन एंड ओनली वन व्हिच लाइन व्हिच पासेस थ्रू द टू पॉइंट्स पी एंड क्यू. सो अकॉर्डिंग टू दैट पोस्टुलेट, कैन वी हैव मोर देन टू लाइन, मोर देन वन लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स? It is not possible. So that is contradicting that incidence axiom. So therefore, there is only one point of intersection that exists between the two intersecting lines. Okay? So now, if these things are clear, we can definitely take up the questions that is there in the textbook, which has to be answered through the axioms and the postulates that we have learned. I suppose the axioms and postulates are very clear to everyone. आसान तरीकों से, इंटरेस्टिंग तरीकों से आपने समझाया, तो डेफिनेटली ना की तो कोई गुंजाइश है नहीं वहाँ पर. और मैं समझता हूँ कि जिन्होंने पहला ये सेशन अटेंड किया होगा यूक्लिड ज्योमेट्री के संबंध में, उनको और भी बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टिविटी जड़ी होगी. जिन्होंने मिस किया है वो दोनों पार्ट एक साथ देख सकते हैं, ये दोनों पार्ट अवेलेबल होंगे एनसीईआरटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर. तो मैं समझता हूँ कि ये सेशन मेरे साथ साथ आप सभी को भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको बहुत पसंद आया होगा. बहुत बहुत शुक्रिया बिना जी इतने खास सेशन को और भी बहुत खास बनाने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रोवाइड कराने के लिए, और ऑफकोर्स अपना महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए. थैंक यू. और बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे थे. जाने की कहीं भी जरूरत नहीं है, जल्द हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद लेकर अगला सेशन सोशल साइंस कक्षा 10, और जानेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में. आप बने रहिए प्रधानमंत्री विद्या चैनल के साथ. मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार.